वेलकम बैक टू मेरी चैनल। तब से पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपके लिए ब्लाउज़ लेकर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसमें आप स्वेटर भी बना सकते हैं। तो साइज़ की बात कर लें हम, 34 और 36 साइज है, छोटा बड़ा जो भी साइज़ है कमेंट करके पूछ लें, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। पूरा हमने पहन कर भी दिखाया है, वीडियो के एंड में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 98 चेन डाली है, ठीक है, 98 चेन डाली है। 98 चेन डालने के बाद अब 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। तो फर्स्ट रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना के पूरी रो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो साइज़ हमने आपको बता दिया, इससे छोटा साइज़ है, इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई दे देंगे, आप बना सकते हैं। और आप इसको फुल स्लीव्स में भी स्वेटर बना सकते हैं, ब्लाउज़ बना सकते हैं, कुछ भी बनाए, बहुत ही औसम लगने वाला है, डिज़ाइन एकदम गर्म रहने वाला है। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, अगर नहीं देखी तो जाके देखें। तो फर्स्ट रो बनाने के बाद सेकेंड रो में दिखाएंगे। तो फर्स्ट रो हमने बना ली है डबल क्रोशिया की, सिंपल था, सादा डबल क्रोशिया बनानी थी। सेकंड रो में हमारा कॉर्नर बनेंगे, तो इसके लिए हम 1 2 3 चेन बना के इसको घुमाएंगे। चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई है, इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गई है, देखिए। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमें टोटल 18 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए 18 डबल क्रोशिया बना ली, अब हमारा फर्स्ट कॉर्नर बनेगा, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस वाली चेन में डाल के बनाएंगे 1, वापस 1 और, 2 हो गई, ठीक है। अब 2 चेन, वापस 1 और ये 2। अब इसमें हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे। तो फर्स्ट कॉर्नर हमारा बन गया है। अब बाजू के लिए देखिए कितने फंदे लेने हैं, फ्रंट पे हमने 18 रखे हैं, अब बाजू के लिए हम बनाएंगे तो वैसे ही स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 2, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 3 4 5 6, टोटल हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बना लिया, कॉर्नर को हटा के अगर काउंट करें तो 14 डबल क्रोशिया है। अब हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पर, तो वही रिपीट करना है, 1, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे 2, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेनी है और फिर से इसी जगह 2 बनाना है, ठीक है। 2 चेन लेके फिर से 1 और ये 2, यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन लगा देंगे तो हमारे ये 2 कॉर्नर बन गए हैं। अब बैक साइड में हम 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए बैक पर हमने 28 बना ली, 28 डबल क्रोशिया बना ली हमने। और अब हमारा तीसरा कॉर्नर बनेगा, जैसे हमने 2 कॉर्नर बनाए हैं वैसे हमारा तीसरा बनेगा, तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, तो ये तीसरा कॉर्नर भी हमारा बन गया। इसमें भी हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, ठीक है, ये 3 कॉर्नर बन गए। अब फिर से बाजू के लिए 14 बनाएंगे, फिर चौथा कॉर्नर, फिर 18 डबल क्रोशिया, इस तरीके से पूरी रो बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फंदे लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 18 18 आगे हैं, 14 14 हमने बाजू पर रखे हैं और 28 28 हमने बैक पर रखे हैं, 4 कॉर्नर बने हैं, ठीक है हमारे। तो इस तरीके से हमने बना लिया है, अब हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो डिज़ाइन के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 चेन लेके 2 चेन और 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये फर्स्ट वाले पर हम एक सादा डबल क्रोशिया बना लिया हमने, ठीक है। फिर बल लेकर फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ एक सादा डबल क्रोशिया,
फिर यहाँ डालकर बनाएंगे। तो टोटल चार हमने डबल क्रोशे बनाए हैं बटन पट्टी के, क्योंकि हमने इसमें बटन पट्टी भी साथ में चलानी है। तो चार फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे, ठीक है। आपको अगर कम लग रहे हैं तो आप पाँच या छः भी कर लें, वैसे चार फंदे ठीक हैं बटन पट्टी के, ठीक है। ज़्यादा चौड़ी बटन पट्टी अच्छी नहीं लगती है। तो ये चार बनाने के बाद अब हमें बल लेना है, और इस वाले फंदे को, पांचवा जो फंदा है, इसको हम इस तरीके से उठाएंगे। उठाने के बाद इसको निकाला, वापस इसी जगह फिर से डालेंगे हम, देखिए फिर से डालेंगे। अब हम दो दो करके फंदे निकाल देंगे, देखिए दो दो करके निकाल देंगे सारे फंदे हम, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, बल लेकर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर, फिर इसके पास वाले फंदे में देखिए डालेंगे, इसके पास वाले में डालकर इसमें दो बार में फंदे निकालेंगे। एक बार निकाला, वापस इसी जगह एक बार और निकालेंगे, और सारे फंदे हम दो दो करके निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। दो दो करके निकालना है। अब फिर से हम एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से बल लेकर इसके पास वाले फंदे में देखिए एक बार निकालेंगे फंदा, वापस इसी जगह फिर से निकालेंगे। अब ये दो दो करके फंदे इसको निकाल देंगे इस तरीके से। अब ऐसे ही हमें बाजू तक बना के ले, जो कॉर्नर लगा बनाया है ना, वहाँ तक हमें ऐसे ही बना के ले जाना है। एक फंदा सादा डबल क्रोशिया का बनेगा, फिर एक फंदे को हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसके पास वाला जो फंदा है, इसको हम दो बार में फंदे निकालेंगे, एक और ये दो। अब सारे फंदे हम दो दो करके निकाल देंगे, देखिए एक बार निकाला फिर एक बार और, दो बार में निकाल लिया। फिर इसके पास वाले फंदे में सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें कॉर्नर तक लेकर आना है। बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं, कॉर्नर के पास एक फंदा सादा बचा है, इसको सादा डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेफ्टी पिन खोलेंगे, इसके अंदर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था। तो पहले दो डबल क्रोशिया, एक और दो, वापस दो चेन लेनी है और सेम इसी जगह दो बनाएंगे, ये दो चेन और दो बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर से सेफ्टी पिन लगा देंगे हम यहाँ पर, ताकि याद रहे हमें, इस तरीके से। अब इसके पास वाली चेन में हम एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि इस साइड भी हमारा एक सादा बना है, ठीक है। तो इस साइड भी हमारा एक सादा आएगा, यहाँ पर सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो तीन इस साइड हो गए हमारे, एक दो तीन, फिर दो चेन लेके फिर इधर तीन हो गए, एक दो तीन, ठीक है। तो इस दोनों साइड का हमें एक सा रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जस्ट इसके पास वाले फंदे को उठाएंगे और दो बार में फंदे निकालेंगे, एक और ये दो। तो एकदम नया डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसके बाद सादा एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें यहाँ पर, फिर एक फंदे को ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हमें दूसरे कॉर्नर तक लेकर आना है, और दूसरे कॉर्नर में हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो जैसा डिज़ाइन आएगा ना, वैसे ही बनाना है, ठीक है, आगे हम आपको समझा देंगे। देखिए एक बार ऐसा डिज़ाइन है, एक बार सादा डबल क्रोशिया, इसको ऐसे ही बनाते हुए हम दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, अब दूसरा कॉर्नर आ गया हमारा। अब दूसरे कॉर्नर पर देखिए, ज़रूरी नहीं है पहले कॉर्नर पर जैसा फंदा आया वैसा ही दूसरे पर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेफ्टी पिन को सबसे पहले खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सादा बना लिया, उसके बाद हमारा एक फंदा बच रहा है, तो इस पर डिज़ाइन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा फंदा आएगा ना, जैसा डिज़ाइन हमारा चल रहा होगा, वैसे ही हमें रिपीट करना है। अब यहाँ पर एक डिज़ाइन बन गया, इसको खोलेंगे, इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन लेके वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक और ये दो। फिर यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देंगे हम, यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दी। अब फिर से बल लेकर देखिए,
अब फिर इसके पास वाला फंदा है जो, क्योंकि इस साइड का हमारा जो डिज़ाइन है सेम ऐसा ही हमें इस साइड बनाना है, तो दो बार में ये फंदे निकालेंगे, ऐसे ही पूरी रो बनानी है हमें, ठीक है। जब बन जाएगा तो दिखाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है जैसा डिज़ाइन इस साइड आएगा वैसा ही हमें कॉर्नर के इस साइड करना है। अगर इधर ये डिज़ाइन आ रहा है तो इधर ऐसा बनाएंगे, अगर इधर सादा आ रहा है तो इधर भी सादा बनाएंगे। जैसे कि इस साइड में हमारा सादा आया तो सादा बना लिया, तो बस पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। और पूरी रो बनाने के बाद लास्ट के चार फंदे जो हैं उसको सादा डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, चार फंदे बचे हैं, पाँच बच रहे थे, बट पांच फंदे हो जाते हैं डिज़ाइन के इस वो बटन पट्टी के, इसलिए मैंने दो का एक कर दिया है, ठीक है। अब चार फंदे बचे हैं, इनको बटन पट्टी के लिए सादा बना लेंगे। एक दो तीन और ये लास्ट चार, इस तरीके से चार फंदे बना लिए। तो एक रो में तो हमारा ऐसा डिज़ाइन चलेगा जैसा अभी हमने बताया है आपको। सेकेंड रो हमारी सादा चलेगी सिंगल क्रोशिया की। तो इसके लिए एक चेन लेना है, इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके पास वाले में बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो पूरा जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कॉर्नर तक लेकर आएंगे हम। कॉर्नर पर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बना के लाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हम कॉर्नर तक आ गए हैं, और कॉर्नर का फंदा इसको खोलेंगे सेफ्टी पिन को, इसके अंदर हम दो स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो दो चेन लिए हैं इसमें एक स्लिप स्टिच किया, एक और इसके पास वाले में फंदे में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से जितने फंदे हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कॉर्नर की जो दो चेन है ना इसमें स्लिप स्टिच करना है। तो बस पूरी रो ऐसे ही बनानी है, फिर इसके अगली रो में हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो फिर हम आपको दिखाते हैं, वापस सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर आ गए हैं। फिर से एक बार आपको दिखा दें, यहाँ पर दो फंदे हैं ना, तो दोनों में स्लिप स्टिच कर देंगे हम। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप सिंगल क्रोशिया कर दें। तो इस तरीके से हम पूरी रो बना लेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही ऑसम डिज़ाइन है, इतना हमने बना लिया है। अब देखिए अगली रो में डिज़ाइन कैसे बनेगी वो हम आपको बता दें। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, पहले तीन चेन बना के इसको घुमाएंगे, और जो बटन पट्टी के फंदे हैं चार उसको चार बनाएंगे। एक दो तीन और ये चार, चार बटन पट्टी के फंदे बना लिए हम। बटन पट्टी पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं, अगर आपको झोलती लगे तो आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, तीनों फंदे एक साथ निकाल के बना सकते हैं। तो चार फंदे बटन पट्टी के बना लिए हमने। पांचवा फंदे पर हमारा डिज़ाइन है, तो इसको हम उठा के, सादा फंदा है पांचवा हमारा, तो इसको उठा के दो बार में फंदे निकाल के इस पर डिज़ाइन बन जाएगी हमारी। और जो जिस फंदे पर डिज़ाइन है उस पर हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इस पर डिज़ाइन है हमारा, तो इसको इसके ऊपर हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर जिस फंदे को हमने सादा बना रखा है अंदर से दिख रहा है आपको, इसको उठा के डिज़ाइन में बनाना है इस तरीके से। पर डिज़ाइन बना है उसको, उसके ऊपर सादा डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर जो फंदा अंदर से आपको दिख रहा है ना, इसको उठा के डिज़ाइन में बनाना है। दो बार फंदा निकालेंगे, एक और ये दो, और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो बस ऐसा ही डिज़ाइन हमारा चलेगा, ठीक है। अब जो फंदा डिज़ाइन वाला दिख रहा है इसके ऊपर सादा डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो ऐसा डिज़ाइन आएगा, अभी थोड़ा बन जाएगा ना तब आपको अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें कॉर्नर तक लेकर आना है। देखिए इस फंदे को उठाएंगे, इसमें डिज़ाइन बना देंगे हम, और जो डिज़ाइन वाला फंदा दिखेगा उसको सादा डबल क्रोशिया बना देंगे हम। यहाँ पर सादा बना देंगे,
तो बस ऐसे ही पूरी रो बनाकर दिखाते हैं। कॉर्नर के अंदर क्या करना है, देखिए कॉर्नर में खोलेंगे, इसमें वही रिपीट करना है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। तो यहाँ बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। पहले तो इस फंदे को, इस फंदे पर डिज़ाइन आ रहा है तो डिज़ाइन बना लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और दो डबल क्रोशिया, एक दो, ठीक है। फिर जस्ट इसके पास वाले में डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि इस वाले फंदे पर डिज़ाइन बनाई है हमने, तो इसमें भी बनाएंगे हम। दोनों साइड का एक सा रखना है हमें, तो इधर बनाएंगे डिज़ाइन। फिर एक फंदा सादा, इस पर डिज़ाइन आ जाएगा। फिर जो डिज़ाइन वाला फंदा है उसके ऊपर सादा हो जाएगा। तो बस पूरी रो ऐसे ही बनानी है, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब बनाएंगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। तो पूरी रो बना के फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी रो बना ली है, बटन पट्टी के चार फंदे सादा बना लिए। अब फिर से एक रो सादा आएगी, तो एक चेन लेके इसको घुमाएंगे और वही रिपीट करना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक रो में हमारा डिज़ाइन बनेगा, एक रो में हमारी सिंगल क्रोशिया बनेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। यहाँ तक आ गए हैं, देखिए कॉर्नर तक। कॉर्नर में वही करना है हमें, जो दो चेन ली हैं इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। तो ये दो चेन है इनमें स्लिप स्टिच बनाना है, एक और यहाँ बनाएंगे दो। फिर जितनी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस ऐसे ही इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर दिखाते हैं आपको, एक रो में हमारा सिंगल क्रोशिया आ जाएगा, एक में डिज़ाइन आ जाएगा। को हम ऐसे ही थोड़ा बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही बनाना है हमें, और हमने इतना बना लिया है समथिंग। इसकी बस कमेंट आते हैं कि इंची टेप से नाप के दिखाएं, तो हमने 18 इंच तक बना लिया है। इसकी जो चौड़ाई है 18 इंच तक है, 18 को जब हम डबल करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और ऊन का स्वेटर खींचता है तो ये 36 साइज वालों तक के आराम से आएगा, 34 और 36 साइज के आराम से आएगा। यहाँ पर रो काउंट करें तो हमने 17 रो हमने बनाई है, यहाँ पर 18वीं रो में हम मुड्ढा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये 17 रो हमने बनाई है सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया की काउंट करके, ठीक है। तो 17 रो तक हमारा जो है इतना बन गया है। आपको अगर इससे बड़ा साइज रखना है तो इसी वाले पोर्शन को आपको और बढ़ाना है, छोटा साइज रखना है तो इसी वाले पोर्शन को कम कर लें या फिर चेन कम लें, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ऑसम डिज़ाइन है, येलो कलर में इतना अच्छा सा दिख नहीं रहा है, इसको आप ना ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर में बनाएं, बहुत ही ऑसम लगने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी 18वीं रो चलेगी, और ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है। 18वीं रो पर हम मुड्ढा ज्वाइन करेंगे, तो हमने इसको बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं, और यहाँ पर आने के बाद मुड्ढा देखिए कैसे ज्वाइन करना है। कॉर्नर के बीच में लाएंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, वापस दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब अपना दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे और यहाँ पर विदाउट चेन के इसको सेफ्टी पिन खोलेंगे और इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से सिंपल सा है, मुड्ढे ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद जैसा डिज़ाइन चल रहा है वैसे बनाना है। तो ये दोनों मुड्ढे हमने इसी तरीके से ज्वाइन कर लिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंदे हैं इसमें हमें जैसा डिज़ाइन चलेगा वैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला फंदा है, पहले फंदे को उठा के डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे फंदे पर सादा डबल क्रोशिया हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सादा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके पास वाले फंदे को उठा के बनाएंगे इस तरीके से। फिर जो डिज़ाइन वाला फंदा आ जाएगा उसके ऊपर सादा बना लेंगे यहाँ पर। फिर इसके पास वाले फंदे को उठा के बनाएंगे, इस तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है।
तो ऐसे ही पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पर देखिए बना लिया है, दोनों मुट्ठे हमारे ज्वाइन हो गए हैं इस तरीके से। अब हमें कुछ करना नहीं है, इसकी लेंथ सिर्फ बढ़ानी है। डिज़ाइन भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इस तरीके का पैटर्न है। अब इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ानी है हमें और लास्ट में बॉर्डर बना देना है, ठीक है। वैसे ये वीडियो मैं डालने वाली नहीं थी क्योंकि इस पर हम इसमें डिज़ाइन अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे किसी के लिए बना के देना था इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोग किसी और कलर में ये डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी सेकंड रो डिज़ाइन के पास, सेकंड रो हमारी सिंगल क्रोशिया के आएगी, तो इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से जितनी भी चेन है, तो बस हमें इसकी लंबाई बढ़ानी है। जितना भी आपको ब्लाउज़ रखना है तो ब्लाउज़ के हिसाब से शॉर्ट बना लें, जैकेट रखना है शॉर्ट जैकेट या लॉन्ग कार्डिगन रखना है, उस हिसाब से जितनी भी आपको लंबाई बढ़ानी है उतनी लंबाई बढ़ा लें। हम इसमें 20-21 रो और बनाएंगे, उसके बाद नीचे का बॉर्डर बना देंगे। तो बॉर्डर भी बहुत सिंपल है, हमने क्रोशिया के बनाना बताए हैं। उसमें होता क्या है, एक फंदा फ्रंट पोज होता है, एक फंदा बैक पोज होता है, इस तरीके का बॉर्डर बनता है। तो यहाँ तक हम पूरा ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। फिर हमारी अगली रो स्टार्ट हो गई है, तो डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। और इसमें आप बाजू भी बना सकते हैं, तो ये बटन पट्टी भी हमारे साथ में चल रही है, इसमें आप बटन एक साइड बटन लग जाएंगे, एक साइड होल है इसमें बड़े बड़े, तो उसमें आराम से बटन भी निकल जाएंगे, अलग से बटन पट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये बटन पट्टी के फिर से हमने चार फंदे बना लिए। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और फिर से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है, तो जिस फंदे पर डिज़ाइन बना रखा है उसको हमें सादा बनाना है, और जो फंदा सादा दिखेगा उसको डिज़ाइन में बनाना है, ठीक है। अभी इसके पास वाला फंदा सादा बनाना है, अब इसके पास वाले फंदे पर आपको डिज़ाइन नहीं दिख रहा है तो इसको डिज़ाइन में बनाना है। तो ऐसे ही हमें इसकी लेंथ बढ़ा के बॉर्डर बना लेना है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। इस तरीके से ही हमारा बनेगा, ये देखिए इसको सादा है तो इसको डिज़ाइन में बना लेना है। तो बस ऐसे ही इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे हम, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने इसकी लेंथ बढ़ा ली है, और हमने मुट्ठी ज्वाइन करने के बाद 20-21 रो और बना ली थी, तो थोड़ा इस तरीके से हमने बनाई है। आप इसमें चेन भी लगा सकते हैं, बटन लगा लें, बहुत ही औसम डिज़ाइन है और एकदम गर्म रहने वाला है, लगेगा ही नहीं आपने क्रोशिया से बनाया है, सलाइयों से लगेगा। और नीचे का हमने बॉर्डर बनाया है, तो बॉर्डर में सिंपल है, एक फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट जाता है, एक बैक पोस्ट जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहन कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी जाली वाला डिज़ाइन नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, शेयर किया करें, प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसको आप फुल स्लीव्स में बनाना चाहते हैं, किसी और कलर में देखना चाहते हैं कार्डिगन या ब्लाउज, तो मुझे कॉमेंट करें, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, तो मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगी, ठीक है। बाय।